हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो जी हाँ, पार्ट टू में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, अबू धाबी ग्रैंड मॉस्क दिखाई दे रहा है आपको। तो हम लोग जी हाँ पहुंच चुके हैं अबू धाबी सिटी कॉर्निच में, कॉर्निच एरिया जो है मेन सिटी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अबू धाबी का जो मेन अट्रैक्शन हो, मैंने कैप्चर करके आपको दिखाने का ट्राई किया। वीडियो प्रॉपर शुरू नहीं कर पाई क्योंकि दोस्तों के साथ सुबह हम लोग खूब सारी बातें कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो जो भी क्लिप मेरे साथ मेरे से हो पाई और वो मैंने रिकॉर्ड की, आप सबके लिए भी, आप सबको भी याद किया क्योंकि आप भी हमारे फैमिली और फ्रेंड हो। तो ये देखिए, अबू धाबी सिटी हम लोग पहुँचने वाले हैं कॉर्निच एरिया में। मतलब यहाँ पे प्रॉपर हम लोग आज दिन में रहेंगे और इंजॉय करेंगे। ये म्यूजियम है, देखो निशा जी, ये म्यूजियम है, बहुत अच्छा है ये। इसमें हम लोग एक बार खूब मस्त पार्टी करते हैं इस वाले बगीचे में। ये देखो म्यूजियम, तो कितना तुम लोगों ने सब मिस किया, आप लोग ने सब मिस। टैन टैन, हम लोग आ गए हैं अबू धाबी कॉर्निच। ये देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों। तो अभी हम लोग अबू धाबी में राजधानी में हैं और बस रेस्ट कर रहे हैं। 4 बजे से यहाँ पे होता है एयर शो, जो हम लोग, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ शायद किसी वीडियो में, कि हर साल देखने आते हैं। तो इस साल भी पहुँच गए अबू धाबी और अलकुआ में थे हम लोग लास्ट वीडियो में आपने देखा। तो अलकुआ से सीधा फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड के घर थोड़ा सा रुके हम लोग, उसके बाद फ्रेश हुए और मिले। बहुत दिन बाद अबू धाबी के फ्रेंड से मिलना भी ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग अबू धाबी ज़्यादा आते ही नहीं है। तो वहाँ पे मिले उनसे और उसके बाद अभी यहाँ पे शो देखेंगे, फिर शाम को घर। और बहुत अच्छा नेशनल डे का प्लान हम लोगों का बन गया। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, इतने अच्छे व्यू है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, दिखाती हूँ क्या ही बोलूँ मैं। तो ये है अबू धाबी कॉर्निच पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखिए अबू धाबी कॉर्निच, देखिए यूएई फ्लैग, और ये सबसे हाईएस्ट फ्लैग है पूरा इस कंट्री का, यूएई का। तो यहाँ पे हम लोग तफरी करने, घूमने फिरने निकले हुए हैं। ये देखिए, अभी आपको बहुत अच्छा सा मेला दिखाते हैं, एमिरेटी तो मेला। ये देखिए एमिरेटी मेला, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी। अगली साइड आपको दिख रहा है ये पार्क, जो हेरिटेज विलेज के सामने ही है, तो उसी में ये लगा हुआ था। स्टेज भी बना हुआ था, कई सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, किड्स का प्ले एरिया था, हिना पेंटिंग हो रही थी, तो बहुत कुछ हो रहा था। और ये देखिए मेन गेट है हेरिटेज विलेज का, नॉर्मली हमेशा ही ओपन रहता है ये, लेकिन नेशनल डे के लिए स्पेशली डेकोरेट हुआ है। ये देखिए यूएई नेशनल डे लिखा हुआ है। तो ये सेल्फी पॉइंट है, तो यहाँ पे सब लोग फोटो ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से मेन गेट से हम लोग अंदर आते हैं हेरिटेज विलेज। वाह, ये तो कारपेट लगा है निशा जी, आगे चलो भाई, आपके लिए कारपेट लगा हुआ है। वाह, ये देखो मटका, ये लेकिन जैसा था 3 साल पहले वैसा ही है। यहाँ पे देखिए सारा ऐसे मेला लगा हुआ है, और ये हेरिटेज विलेज है ना कॉर्निच के एकदम पास में ही है। ए भाई साहब, कितना बढ़िया कालीन, ये सब देखो हेरिटेज क्लब, ये सब लगा हुआ है। 7 कंट्रीज, सारे किंग, रूलर ऑफ दुबई। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर, ये सब अंदर अंदर रूम में ना बहुत सारी चीजें हैं। देखो ये सब लिखा एग्जीबिशन सेल, और ये कितना लाजवाब लग रहा है। ये देखिए पूरा बड़ा सा हेरिटेज विलेज, बहुत अच्छा है देखने लायक। यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों की बहुत अच्छी फोटो है इस वाले वॉल पे, मुझे याद है। यहाँ पे देखिए पुराने ज़माने में कैसे ये लोग क्या काम करते थे, जैसे मसाले का बिजनेस, इत्र, ड्राई फ्रूट्स, ये सब सब डिस्प्ले किया गया है कि उस टाइम में कैसे होता था, इन लोगों की क्लॉथिंग कैसे होती थी। देखिए ये लोकल एमिरेटी लेडी का ड्रेस है, और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे, जैसे बच्चे से लेके बूढ़े तक, वो जो जोश दिखता है लोकल लोगों में ना, और सब लोग निकल के एक साथ आके, मतलब ना ही पुलिस मैन, आर्मी मैन, और उनके साथ सब लोग एक साथ जुड़ के काम करते हैं, और वो जो जोश दिखता है ना उसका मज़ा ही अलग होता है, इसलिए वो फील आती है। और वेदर भी बहुत टॉप पे रहता है। उधर बीच है,
और इधर देखो, बस इसमें बीच बीच में देखो गाऊ है वहां पे देखो। ये हमेशा ओपन रहता है ना। ये देखो बकरा बकरी कुछ भी देखो, ये काऊ है। ये देखो हेरिटेज विलेज में मुझे क्या मिला, ये मिट्टी का ये बना हुआ है। ये देखो पूरा मिट्टी, प्रॉपर मिट्टी है। ये देखो हाँ चलो चलो हाँ हाँ। तो ये ऐसे है यहाँ पे, ये वॉशरूम है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। अंदर अंदर बहुत टाइम लगा के घूमने लायक है, तो चलो चलते हैं। ये कुआं है क्या अंश, ये क्या है देखो उस तरफ, क्या फाइन सिटी दिखाई दे रही है टेक्नोलॉजिकल एकदम, और इधर ओल्ड हेरिटेज दिखाया गया है। हर चीज का पूरा नॉलेज लिखा भी गया है, कैसे ये लोग बनाते थे, क्या है, डिटेल में पूरे लिखे गए हैं। तो हम लोग पीछे वाले गेट से भी अंदर जाते हैं, और इसी तरफ हम लोग बैठे भी हुए हैं। और ये है एम्फीथिएटर जो है, तो अभी हम लोग मेन कॉर्निच वाले बीच पे आ गए। ये वाली पार्किंग में लगाने का हम लोग ट्राई कर रहे थे, नहीं लगा। और ये वाला देखिए कॉर्नर, अबू धाबी कैपिटल ऑफ यूएई का मेन कॉर्निच बीच यही है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी आते थे पहले जब अबू धाबी में रहते थे। नो स्विमिंग, नो कैंपिंग, नो ग्रिलिंग, ओनली वॉकिंग एंड टॉकिंग। हेलो पिजन, पिजन पिजन, हेलो पिजन। सीगल है ये पिजन है, वाइट वाली ना, वो सीगल। अच्छा ये पे ब्रेंच भी है, चेयर्स भी लेके सकते हो, देख सकते हो। हेलो हेलो पिजन्स, बहुत सारे पिजन मैं आपको दिखाती हूँ। सी के ऊपर कुछ ये खिलाते हैं, ये लोग ऐसे उड़ता है, बहुत सुंदर लगता है ना। अरे वाह, ये सिटी के साथ देखो बर्ड्स, वाओ वाओ वाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह कैसे बोल रही है आज, देखो चिप्स लाए होते खिलाते ना। सीगल, दिस इज नॉट पिजन। आज तुम्हारे पास आ रही है, उसको कुछ चाहिए, चिप्स लेके आओ ना आज। आज कितने प्यारे लग रहे हैं ये सब यार। खा लिया मिलके, बस बॉडी को चिप्स खिलाने में लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ये वाला बर्ड जो ऊपर ऊपर आता है ना। दुबई में भी उस दिन था। अरे वाह, वो लिया वो लिया हवा में ही कैच करा दे रहा अदु। लिया अलाउ नहीं करते ना, 2 बजे के बाद ही मुझे लग रहा है बंद कर दिए। अरे गजब है। अदू सबको पता चल गया कि यहीं पे मिलने वाला है, सब लोग बैठ गए यहीं पे देखो। अरे वाह तो दोस्तों ये सबसे मेन वाला एक एरिया है जहाँ पे मैं थोड़ा वॉक करके यहाँ तक आपको दिखाती हूँ पूरा कॉर्निच। और ये दिखाई दे रहा है यही है, ये इस पे आ जाके ना यहाँ पे फोटोज आती है पूरी सिटी, यहाँ से ऐसे पूरी सिटी अबू धाबी सिटी वो दिखती है, जिसका वो कॉर्निच एरिया जो है सिटी है, वो दिखता है यहाँ से। तो अभी बस शो स्टार्ट होने वाला है और हम लोग यहाँ से शो देखेंगे। ये वाला एरिया सबसे बेस्ट है, दोनों तरफ से दिखाई देगा यहाँ पे। हर साल हम लोग ना उस एरिया में रहते थे, थोड़ा सा इधर रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए यहाँ से शो एकदम खुल के दिखाई देगा। और बहुत ही प्यारे से एरिया में हम लोग आ गए हैं, सब लोग यहीं पे हैं। देखिए वाह, ये देखो अद्दू महाराज।
हाइट हाइट ऊपर करवा दूं, नीचे नहीं करते फ्लैग। हाँ ये बोट रेस कर रहे हैं। हाँ बोट रेस हो रहा है और कलरफुल ड्रेसेस देखो, रेड ग्रीन ब्लैक, ये देखो ये बोट रेस, ये रो रेस है, मतलब बोट चला रहे हैं। ये देखिए फ्लैग लहरा रहे हैं पैराशूट में, पता नहीं मेरे मोबाइल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सिक्स, अब ग्रीन टीम आ गई ना। अरे इधर देखो, सुनो तुम वो मत कर, देखो ग्रीन कलर टीम आ गई, ग्रीन कलर टीम आ गई। यूएई फ्लैग, देखो वन मोर प्लेन, ग्रीन टीम, ग्रीन टीम। तो अभी ब्लैक एंड व्हाइट भी आएंगे। حلوين حلوين شباب حلوين حلوين يا तो हम लोग शो देखने आए थे यहाँ पे, शो एयर शो हुआ ही नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं था यही शो हो रहा है बोटिंग वाला, जो भी कलरफुल ड्रेसेस लोग पहन के शो कर रहे हैं, तो वही शो एंजॉय किया हमने। और अभी हम लोग चल रहे हैं घर और जो भी होता है। तो कैसा लगा अंश महाराज, एयर शो नहीं हुआ? तो पता नहीं कोविड में दो साल नहीं हुआ होगा, इस साल तो समझ में नहीं आया, पता ही नहीं चला। ऑनलाइन अभी भी 4-5 दिखा रहा है ना, 4-5 एयर शो दिखा रहा है। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दुबई से भी आए हुए हैं, हर जगह से आए हुए हैं एयर शो देखने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम ही लोग आए हुए हैं, लेकिन चलता है अबू धाबी अपना, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, दिन भर घूम घाम के। यहाँ पे अंश तुम्हें पता है, यहाँ पे एग्जैक्टली इस प्लेस पे तुम्हारी पहली बीच वाली फोटो है और बहुत सुंदर सी, मैं 4-5 ईयर के तुम थे, बहुत सुंदर सी फोटो है और सनसेट भी एकदम एग्जैक्टली इधर हो रहा है। तो चलिए चलते हैं जी, ये है अबू धाबी कॉर्निच बीच, मजेदार वाला। अद्दू आ जा जल्दी जल्दी, तो बहुत मजा आया। मैं इन दोस्तों के साथ जो भी समय बिताओ बहुत अच्छा लगता है। बर्ड्स भी जा रही हैं, तो मिलते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं और घर चलते हैं दुबई, घर मतलब दुबई। हेलो स्टेना, हेलो वाला फ्लैग कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो बहुत ही बड़ा है यहाँ पे यूएई फ्लैग। तो यही पैराशूट वाला शो हुआ, इसमें कलरफुल वाला फ्लैग के कलर का चीजें पहन के ये लोग दिखाए, और फिर ये वाला शो हुआ बोट वाला, और सनसेट होने वाला है बस। ऐसा कुछ डेरा जमा था हम लोगों का ऐसा। चलो भाई पैक करो, चलो चलो चलो। स्ट्रैना कैसा लगा आपको घूम के? स्ट्रैना, स्ट्रैना अभी सो ये सही बोल रही हूँ, अपना नाम बताओ। स्ट्रैना, स्ट्रैना लक्ष्मी, गॉड लक्ष्मी नेम ना, यस। स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग किसका? स्ट्रैना का, एस टी आर ए आई एन ए। वाओ बताओ, ए डी वाई ए एन टी। वाओ आद्यांत, वाओ क्लैप 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 क्लैप। चलो चलो चलो, हम लोग एकदम फ्लैग के नीचे है ना, कम दिख रहा है, दूर से बहुत अच्छा दिख रहा होगा अंश। चलो भाई सब कुछ उठाओ, चटाई वटाई, चलो हमारी पार्टी चलती है। ये देखिए सामने मरीना मॉल दिख रहा है, और यहाँ से आज हम लोग सनसेट देख लेंगे, मतलब जाते ही कार पार्किंग में जाते जाते ही देख लेंगे। और ये फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखिए फ्लैग और सनसेट। लेकिन मज़ा आया, बहुत बड़ा वाला धोखा मिला।
धोखा नहीं कह सकते, हुआ ही नहीं तो उसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन हम लोग उसी एयर शो के लिए आए थे और मुझे लगा कि अपने ब्लॉग में मैंने शेयर नहीं किया है, मिलेगा तो मुझे फोटो मैं दिखाऊंगी, पता नहीं वीडियो मिलेगा कि नहीं, वही होता है बहुत पुराना वीडियो, 3 साल पहले हम लोग आए थे, मतलब 2020 में ना, उसके बाद 2 साल तो अबू धाबी नेशनल डे पे नहीं आए। तो चलते हैं घर और उसके पहले कुछ खाएंगे पियेंगे कहीं पे रुक के, कुछ खाएंगे पियेंगे कहीं पे रुक के और मस्त सनसेट देखते हुए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे वॉक करना नेशनल डे के ना दिन, अगर आप बाहर ना निकलो ना तो यहाँ का आप माहौल फील नहीं कर पाओगे, गजब का मस्त माहौल रहता है, सब एकदम खुश रहते हैं, ड्रेसेस पहने रहते हैं कलरफुल फ्लैग के कलर का और खूब इंजॉय करते हैं सारे लोग, तो मतलब लोकल और जो बाहर से लोग रहते हैं यहाँ पे सब मिक्स होकर इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पूरा माहौल एकदम मज़ेदार रहता है नेशनल डे के। वैसे तो 1 महीने से चलता है लेकिन नेशनल डे के दिन अबू धाबी में रहो बहुत अलग माहौल रहता है। कितना सही है, अच्छा लग रहा है, ऊपर देखो, ऊपर देखो बोरिंग लग रहा है। अभी आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए, बहुत अच्छा थाली यहाँ पे मिलता है और हम लोग जहाँ पहले आते थे ना बहुत साल पहले वहाँ के रेस्टोरेंट में, तो वो वाले रेस्टोरेंट में अभी आए हम लोग और अच्छे से खाना खाया, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। और ये देखिए बिल्डिंग्स यहाँ पे ना, कोई कोई बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग है अबू धाबी में, जो भी मैं कैप्चर कर पाई आपको दिखाया, ये ना ओपन होती है सन के डायरेक्शन के हिसाब से और ब्रिजेस भी बड़ी सुंदर सुंदर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अबू धाबी की पसंद आई होगी, देखिए लाइट अप हुआ है कितना अच्छा ब्रिजेस, सारा डेकोरेशन नेशनल डे कलर के हिसाब से। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलते हैं और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।